अरे रोहित भाई, बुरा ना मानो तो एक बात बोलू तुमको। अरे क्यों नहीं पांड्या यार, तू तो बोल जो भी मन में वो बोल, मैं तुम्हारी बातों को बुरा कैसे मानूंगा। रोहित भाई, मैं यह चाहता हूँ कि जो इंडिया की कप्तानी है ना वो मुझे सौंप दो, आप T20 वर्ल्ड कप जिता दूंगा मैं अपनी कप्तानी में। IPL भी जितवा दिया है, अब आप ही देख लो रोहित भाई, मैंने अपनी कप्तानी में IPL का फाइनल जितवाया अपनी टीम को, गुजरात को। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कप्तानी दे दोगे ना तो मैं T20 वर्ल्ड कप जिता दूंगा अपने देश को। देखो पांड्या, पहली बात तो है ना कि वो इन IPL की बात अलग होती है और इंटरनेशनल की बात अलग होती है। तुमने IPL क्या जितवा दिया, तूने तो ये मान लिया कि मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा कप्तान हूँ। अरे भाई, मैंने भी अपनी टीम को लगातार 8 सीरीज जितवाई है, एक भी सीरीज नहीं आ रहा हूँ मैं अपनी कप्तानी में, और तुम मुझे कप्तानी छोड़ने के लिए कह रहे हो। तुम ही बताओ, क्या मैं कमजोर कप्तान हूँ क्या तुमसे? वैसे भी तुमने कप्तानी मेरे से ही तो सीखी है, पहले मुंबई इंडियंस में खेलते थे तो मैं तुम्हें सिखाता था कि कप्तानी ऐसे करते हैं, और अब है जो तुम मुझे हटाने की बात कर रहा है। क्या बात करता है पांड्या, अगर तू मुझे कप्तानी से हटाना ही चाहता है ना तो मैं तो 1-2 साल और खेलूंगा, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया ना। तो जब मैं संन्यास ले लूंगा तो तुम ही कप्तान बन जाना, तुम ही ओपनर बन जाना, तुम्हें कौन रोकेगा।